अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर नज़ीर। आप देख रहे हैं अमेजिंग कैसर टीवी। नाज़रीन, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है। इससे पहले PCB के ज़राए से मुकम्मल तौर पर यह खबरें आ रही थी, बल्कि तकरीबन कन्फर्म खबर आ रही थी कि शाहीन अफरीदी को बाबर आजम की जगह टीम का कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर PCB ने यू टर्न लिया, शाहीन अफरीदी को फिटनेस इशू की वजह से रेस्ट दिया गया है। हालांकि शाहीन अफरीदी PSL 8 में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और उनकी जगह शादाब खान को टीम का कप्तान बनाया गया है। हालांकि शादाब खान इस PSL 8 में मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हैं। बहरहाल आप नज़र डालते हैं स्क्वाड पर, और स्क्वाड पर नज़र डालने से पहले आपको बताते जाएं कि बाबर आजम और मोहम्मद रजवान को ज़बरदस्ती रेस्ट दिया गया है। हालाँकि बाबर आजम और मोहम्मद रजवान का कहना था कि वो खेलना चाहते हैं। 15 रुकनी जो स्क्वाड है वह इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। शादाब खान कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, आज़म खान, फ़हीम अशरफ, इफ्तार अहमद, अमाद वसीम, एहसानुल्ला, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिम एयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर और जमान खान शामिल हैं। जबकि रिजर्व प्लेयर में इब्रार अहमद, हसीबुल्ला खान और असामा मीर को रखा गया है। अमाद वसीम, एहसानुल्ला, आज़म खान, अब्दुल्ला शफीक और साहिम एयूब फिल वाक़िया डिज़र्व कर रहे थे टीम में शामिल होने के लिए, लेकिन शान मसूद को शामिल करना काफ़ी सवालिया निशान है। नाज़रीन, आपको पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।